नाव वी आर गोइंग टू डिस्कस बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ स्टोर ऑपरेशन्स किसी भी रिटेलर को स्टोर को चलाने के लिए कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स कुछ बेसिक असूलों के ऊपर फॉलो करना पड़ता है अभी हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे उन तमाम प्रिंसिपल्स को उन प्रिंसिपल्स के फॉलो करने से पहले या उनको डिस्कस करने से पहले आई वुड लाइक कि मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स रखूँ जिससे आप इन जनरल एक अनालिस ले सकें कि क्या बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग क्या है सो so, सबसे पहले लेट मी शेयर सम एग्जांपल्स भी यू आपके पास ये पहली एग्जांपल है इस एग्जांपल के अंदर अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो क्या एबनॉर्मल आपको नज़र आता है इन जनरल ये एक स्टोर का लेआउट है एक स्टोर में एक फ्रीज़र की सिचुएशन है जहाँ पे फ्रीज़र के ऊपर प्रोडक्ट्स हैं फ्रीज़र के अंदर प्रोडक्ट्स हैं व्हाट इज़ एबनॉर्मल और व्हाट डू यू सी डिफरेंटली अगर आप नोटिस करें तो एक पैलेट आप यहाँ देखते हैं विच इज़ डिफरेंट और एक समथिंग इज़ रॉन्ग विच यू सी हेयर इसके अलावा यू सी ऑल्सो समथिंग हेयर तीन बातें आप ऑब्जर्व करते हैं सबसे पहली बात आप देखते हैं कि पैसेज के अंदर एक रैक पड़ा हुआ है एक पैलेट एक, एक, एक पड़ा हुआ है जिससे ऑफकोर्स कस्टमर का जो पैसेज है वो अनक्लियर है इसी तरीके से नंबर टू केस के अंदर भी ऑलमोस्ट सेम सिनेरियो है कस्टमर का पैसेज इज़ नॉट क्लियर सो स्टोर बेसिक ऑपरेशंस बेसिक प्रिंसिपल्स के अंदर जाने से पहले अगर आप इन जनरल इस बात को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि व्हाट आर द बेसिक मिस्टेक्स इन बेसिक स्टोर ऑपरेशंस तो बड़ी आसानी के साथ आपको ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स समझ आ सकेंगे तीसरा पॉइंट जो इस पिक्चर के अंदर अगर विजिबल है अगर आप नोटिस करें सो स्टॉक एम मौजूद है यहां पर देर इज नो स्टॉक और वेर इज लेस स्टॉक इन दिस मेन हेड शेल्फ जो कि नॉर्मली इज द मेन प्राइम लोकेशन फॉर द स्टोर अगर एक कस्टमर स्टोर में आता है और वो इस मेन हेड साइड के ऊपर स्टॉक की अन अवेलेबल सिचुएशन देखता है कोर्स उसके ऊपर एक बैड इंप्रेशन पड़ेगा कि द मेन लोकेशन प्राइमरी लोकेशन इज एमटी तो इस पिक्चर से हमने तीन बेसिक प्रिंसिपल तीन बेसिक जगह आइडेंटिफाई की तीन बेसिक मिस्टेक्स आइडेंटिफाई की जो कि बेसिक प्रिंसिपल्स स्टोर ऑपरेशंस की कॉमन सेंस को चेक करने के लिए हैं। हम अब दूसरी एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं अगेन अब इस एग्जाम्पल के अंदर सबसे पहले आपने रिव्यू करना है कि इस एग्जाम्पल के अंदर वट इज गुड और वट इज़ बैड और वट इज़ डिफ़रेंट अगर हम नोटिस करें तो सबसे पहली चीज़ सबसे पहली जगह जो हमारी नज़र जिस जगह पे पड़ती है वो ये जगह है जो कि एक एम टी शेल्फ है बेसिक स्टोर ऑपरेशन के प्रिंसिपल्स के अंदर अगर हम डिस्कशन करेंगे तो कस्टमर प्रोडक्ट से पहले किसी भी एम स्पेस को किसी भी खाली जगह को सबसे पहले नोटिस करता है तो अगर ये पर्सपेक्टिव वो देखेगा तो इन जनरल उसकी को बहुत अच्छा फीडबैक आपके स्टोर के बारे में आपकी असॉटमेंट के बारे में आपकी अवेलेबिलिटी के बारे में एज ए रिटेलर को बहुत अच्छा फीडबैक नहीं आ सकेगा इसके अलावा पॉजिटिव अगर आप देखते हैं इस पिक्चर के अंदर तो यू सी दसॉटमेंट ऑफ ऑरेंजेस ये जो पिक्चर हमारे पास क्लियर है यहाँ पर वेरी क्लियर वेल प्रजेंटेड बहुत अच्छे तरीके से इट इज़ विजिबल टू द कस्टमर अगेन प्राइस प्राइस साइनेज आर देयर यानी कि जो बेसिक चीज़ें हैं जो कस्टमर को रिक्वायर्ड हैं वो इस पार्ट ऑफ द आइल के अंदर इस पार्ट ऑफ द शेल्फ के अंदर, अंदर प्रॉपरली तरीके से मैनेज है जबकि उसके साथ वी हैव वन अनादर एग्जाम्पल जो कि एक बहुत अच्छी पिक्चर नहीं है हम एक तीसरी एग्जाम्पल के अंदर आते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स समझने के लिए तीसरी एग्जाम्पल हमारे पास है जो कि एक स्टोर की पिक्चर है और फर्स्ट आई व्यू में आपको क्या नजर आता है आप क्या ऑब्जर्व करते हैं सी अ नीट एंड क्लीन स्टोर वेल मर्चेंडाइज्ड प्रॉपरली प्राइसिंग आपको क्लियर है प्रोमोशन क्लियर है प्रॉपर डिस्प्ले क्लियर है प्रेजेंटेशन क्लियर है हाइजीन स्टोर का क्वालिटी लेवल क्लियर है सो so, यू सी ऑलमोस्ट एवरी थिंग गुड एंड परफेक्ट एज ए कस्टमर ऑल्सो इसके लिए कोई रिटेल की आय जरूरी नहीं है इस बेसिक प्रिंसिपल को समझने के लिए अब आपने स्टोर को एज ए कस्टमर ही देखा लाइटिंग आपको पसंद आ गई लाइटिंग आपने देखी इट इज़ गुड क्लियर स्टोर एंड देन यू विल लाइक दैट स्टोर सो ऑल पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस पिक्चर हर परस्पेक्टिव में कस्टमर कैन ईजिली से इट दैट इट इज़ वन ऑफ द आइडियल स्टोर लोकेशन वर्ड ऑफ द आइडियल स्टोर लेट से सिचुएशन जिसके अंदर आपको सब कुछ चीजें क्लियर हैं लास्ट एग्जाम्पल हमारे पास है बिफोर गोइंग टू द बेसिक प्रिंसिपल्स इन डिटेल आप क्या देखते हैं इन पिक्चर्स के अंदर सो अगेन वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल्स हमारे पास मौजूद हैं अगर आप देखते हैं डिटेल के अंदर बेसिक प्रिंसिपल्स की डेफिनेशन को उसके प्रिंसिपल्स को समझने के लिए तो एग्जाम्पल नंबर वन के अंदर जो मैं इसको एग्जाम्पल नंबर वन कह रहा हूं एग्जाम्पल नंबर वन के अंदर अगर आप देखते हैं तो वो एक वैक्यूम क्लीनर का डिस्प्ले आपको नजर आ रहा है ऑन द राइट साइड जबकि उसके साथ वैक्यूम क्लीनर का पैक भी मौजूद है यानी उसके पैकेजिंग भी मौजूद है तो इट इज एन आइडियल सिचुएशन इन द स्टोर के प्रोडक्ट जो है वो मैस मर्चेंडाइजिंग में हो प्रोजेक्ट जो है वो किसी कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट के साथ सेल हो रही हो प्रोपोपर उसकी प्राइसिंग क्लियर हो बहुत अच्छे तरीके से मर्चेंडाइज हो सैंपल कस्टमर के लिए डिस्प्ले हो तो वह तमाम बातें इस एक पिक्चर के अंदर क्लैरिटी के साथ नज़र आ रही हैं और एक बेसिक प्रिंसिपल्स की फॉलोइंग बड़े आराम से रिलीजियसली नज़र आ रही है इसी तरीके से दूसरी एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पेपर का डिस्प्ले है जो कि अगेन बल्क सिचुएशन में डिस्प्ले यहाँ पर हुआ हुआ है बल्क सिनेरियो में इसको नॉर्मली हम मैथ्स मर्चेंडाइजिंग कहते हैं और प्रोडक्ट प्रॉपरली प्रेजेंटेड है सैम्पल प्रॉपर्ली मौजूद है प्राइसिंग प्रॉपरली मौजूद है अगेन कस्टमर को जो प्रेजेंटेड प्रोडक्ट है वो ईजीली एक्सेसिबल है तो तमाम प्रस्पेक्टिव बेसिकली आम कस्टमर की नज़र के मुताबिक पॉजिटिव है सो यू कैन सी इट गुड प्रजेंटेशन एज ए रिटेलर फॉर द कस्टमर सो कस्टमर परस्पेक्टिव में इट इज़ अ गुड प्रजेंटेशन अब हम रिटेलर के वो तमाम प्रिंसिपल्स को डिस्कस करते हैं जो कि हमें हेल्प करेंगे आगे जाने के लिए लेकिन उससे पहले हमारे पास हम क्विकली ये जानना ज़रूरी है कि हम क्यों ये प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं हमने ये देख लिया कि कस्टमर को क्या पसंद है कस्टमर को क्या पसंद नहीं है लेकिन अब हम यह जानना भी ज़रूरी है कि हमारे पास वो कौन से ऐसी नीड है जो कि हमें इन प्रिंसिपल्स को समझने के लिए ज़रूरी है सो वाई डू यू नीड द बेसिक प्रिंसिपल्स ये सबसे पहली बात हमारे पास मौजूद है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ सेल्स एरिया एंड द प्रोडक्ट डिस्प्ले जब हमारे पास जो पहली बेसिक नीड हमारे पास है वो ये है कि हमारे पास सेल्स एरिया की ऑप्टिमाइजेशन होती है प्रोडक्ट डिस्प्ले की फिर देन दिस सिंप्लीफाइज द होल प्रोसीजर अल्टीमेटली रिटेलर की सेल्स उसका रेवेन्यू इंक्रीज होता है और जब उसका सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली स्टोर के नंबर्स स्टोर के रिजल्ट बेहतर होंगे सो ऑब्जेक्टिव ऑफ द होल एक्टिविटी इज के उसको अपने रिजल्ट को इम्प्रूव करना है अपने रिजल्ट को बेहतर करना है तो दैट इज दी बेसिक नीड फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल्स के आपने जैसे ही ऑप्टिमाइजेशन लेके आएंगे सेल्स एरिया के अंदर अल्टीमेटली सिम्पलीफिकेशन होगी आपके प्रोसीजर्स के अंदर बिजनेस रेवेन्यूज इंक्रीज होंगे और अल्टीमेटली बिजनेस के ओवरऑल रिजल्ट्स बेहतर होंगे